तो मेरे YouTube चैनल आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग को जाना है बर्थडे पार्टी में। तो हम लोग का प्लान बना है कि विवेक शाम को मुझे डायरेक्ट वहीं पे मिलेंगे, मैं भी उनको डायरेक्ट वहीं पे मिलूंगी। हम लोग के आंटी हैं, हम लोग के फ्लैट में है आंटी, उन्हीं का ही उनकी पोती का, भाभी की बच्ची का, पीहू नाम है, तो उसका बर्थडे है। तो वहीं पर हम लोग आज बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो विवेक तो खाना पीना खा के निकल चुके हैं, तो वो मुझे डायरेक्ट शाम में ही मिलेंगे। और उन्होंने मुझे बोल दिया है कि तुम गिफ्ट ले लेना शाम को जाके। तो अब मैं बीच में जाके निकल लूँगी और फिर बर्थडे गिफ्ट लेके आ जाऊँगी। तो दोस्तों, तो जैसा होता है तो मैं शाम को आपको दिखाऊंगी, मिलाऊंगी। तो हम मिलते हैं शाम में। तो आए हम लोग पीहू के बर्थडे में और पीहू कर रही है फुल ऑन मस्ती और अपनी खुद की वीडियो बना रही है ना। गाइस आज ये कुकी खेल रही है, कुकी कर रही है मस्ती है ना। क्या ये चीज क्या है? मेरे पास भी है ये स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच गाइस, ये हम इसके पास एक स्मार्ट वॉच है, इसने निकाल दी। अच्छा। मेरे पास आई वॉच है। अच्छा वाओ। बर्थडे आज पीयू का बर्थडे है ना। अब आज बर्थडे में क्या कर रही है पीहू? वीडियो बना रही है। अरे मेरा बच्चा, अरे खा ले अंकल जी के पास, मुझे छोड़ दे। ओह कान में चला गया। हाँ कूद के चली गई है। पहली बार से पहले तो तुम लेके आए हो? ऑलरेडी मैं इतने दिनों से घूम रहा हूँ। अरे पहले आपका बर्थडे है ना, जल्दी आ जाओ पहले। आओ खाओ खाओ कुकी को। ओह पीयू का बर्थडे। क्योंकि उसे मजे ही मजे हो गए। ले ले फोटो कैच, 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 फोटो। पीहू के लिए, या पीहू ने तो गैस कर लिया किचन सेट है ना। क्या करे बेटा, आज कुछ था ही नहीं, कुछ अच्छा था ही नहीं, यही एक अच्छा दिखा तो वो मैंने ले आया। पापा अभी मेरी टायर वाली साइकिल आ रही है। ओह टायर वाली साइकिल आज आ गई है? आने वाली होगी। हाँ वाह, तब तो देखेंगे। मेरे पति जी क्या खा रहे हैं? केक। फटाफट हम लोग फिनिश करेंगे, आप भी फटाफट फिनिश करिए। हाँ हाँ बेटा, किचन सेट है, किचन सेट है। ये दोनों कह रहे थे वो लैपटॉप आ गया। तो क्या खाएंगे, टेस्ट करके बताइए। भाभी ने बनाया है अपने हाथों से, टेस्ट करके बताइए कैसा है। बढ़िया। तो हम लोग आ चुके हैं, आने के बाद बहुत थकान थकान लग रही है, क्योंकि बच्चों के पीछे, कुकी के पीछे बच्चे, बच्चों के पीछे मैं, हम दोनों के दोनों दौड़ा भागी, इतना चिल्ला रहे थे कुकी को, बच्चों को, बच्चे बच्चे चिल्ला रहे थे, सारा इतना मिक्सअप हो, कितना थका देने वाला प्रोसेस था कि कुकी तक थक गई है। तो मैं दिखा दूँ, कुकी भी आराम कर रही है, इसने खाना तक नहीं खाया है। खाना उसको दिए तो ये खाना भी थोड़ा सा खाई, आधा खाई या आधा छोड़, जबकि कुकी कभी ऐसा नहीं करती है, वो अपना खाना छोड़ दे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो अपना खाना नहीं छोड़ सकती। पर इसने आज किया तो मुझे थोड़ा डर लग गया कि इसकी तबीयत तो सही नहीं है। तो
इसीलिए मैं इसको थोड़ा लेके बैठी हूँ और गोद में आराम से सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम से सो जाए तो उसको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। क्या है कि मैंने अपने गोद पे लिया था, सो गई थी, फिर मैंने इसको साइड में रख दिया तो नहीं हो वो हो रही, तो मुझे लगा ठीक है मैं थोड़ी देर इसको आराम से रिलैक्स करवा दूँ, मेरे गोद में ही सो रही है ये, तो ताकि वो अच्छे से आराम कर लेगी, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसको ठीक लगता है कि नहीं लगता। फिर इसका आधा खाना जो बचा हुआ है वो भी इसको थोड़ा खिलाऊंगी, खिला के देखूंगी कि खाती है कि नहीं खाती है, तो फिर थोड़ा टेंशन हो जाएगी कि तबीयत तो नहीं ख़राब है कहीं इसकी, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। और मैं सारा खाना बना के गई थी क्योंकि मुझे लगा कि 8 बजे जाना था, तो मैं सोची 8 बजे जाएंगे, कतरे कतरे टाइम हो ही जाएगा तो फिर आएंगे तो आगे मैं कब खाना बनाऊंगी, तो मैं इसलिए मैं खाना सारा बना के ही गई थी, कुकी का भी खाना चढ़ा के गई थी और हम लोग का भी खाना मैं बना के सारा गई थी। क्या के फटफट पराठा मैंने सोचा था, पालक का पराठा आज मैंने प्लान किया था, तो आटा वाटा गूंथ के रख दिया था मैंने, सिर्फ पराठा वगैरह बनाना था, तो वहीं पे ही सब खाना वाना हो गया। मुझे नहीं पता था खाने वाने का भी प्लान है, मैंने सोचा बस केक कटेगा तो नमकीन बिस्किट वगैरह देंगे, बस ये सब अटेंड करके फटाक से आ जाऊँगी, पर ऐसा कुछ नहीं था, बहुत काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे, फैमिली की तरह हम लोग सेलिब्रेट किए, फिर सारा खाना वाना भी खाएं, तो खाना खा के आया तो अब पेट हम लोग का भर ही गया है, तो अब यहाँ पे क्या कौन खाना खाएगा, तो अब जो सब्जी बची है तो अब सब कल के काम आ जाए, और अगर रात को भूख लगेगी तो थोड़ा सा ही खाएंगे, पूरा तो खाएंगे नहीं, तो बच जाएगी तो कल के काम आ जाएगी। हम लोग बैठे ही थे कि अचानक से ओला गिरने लगा है, और लोग फटाक से भागते हुए गए वहां पे, थोड़ा सा देखे ओला गिरा, थोड़ा फुटेज भी थोड़ा सा बनाया क्योंकि अच्छे से आ नहीं रहा था, जितना फुटेज बना सका वो बनाए, फिर फटाफट हम लोग आए, बहुत मजा आ रहा है ना, ओला गिरा था ना, भयंकर होता, बहुत दिनों बाद ऐसा एक्सपीरियंस, इस मौसम में नहीं गिरता नॉर्मली, हाँ ठंड के मौसम और आवाज ऐसे धम धूम जैसे कितना बड़ा बड़ा गोला गिर रहा हो, इतनी बड़ी बड़ी तेज आवाज आ रही है, अभी भी आवाज आ रही है, कंटिन्यू गिर रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन देखे तो मुझे बहुत मजा आया ना आपको भी। कुकी भी खाना नहीं खा रही थी तो टेंशन हो रहा था, और हम लोग ओला देख के आए तो देखे कि कुकी अपना चट 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 कर रही है ना, क्योंकि खाने तो लगी थी क्योंकि पर वो खा नहीं रही थी, बहुत स्लो स्लो खा रही थी, फिर छोड़ रही थी बीच बीच में, तो विवेक ने बोला कि उसमें थोड़ा सा दही मिला दो, तो क्या है कि फ्रिज में रखी रहती है दही और ठंडा डायरेक्ट उसे नहीं देना है, तो मैंने फटाक से उसको निकाला, थोड़ा सा गर्म किया, थोड़ा गर्म पानी में उसे मिक्स करके मैंने दिया, तो फटाफट कुकी सारा देखी सब चट कर गई है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे को, तभी तो अच्छे से जानता अपने बच्चे को। हाँ इन्होंने बोला कि दे देखे तो देखो, मैं नहीं दे रही थी, इन्होंने बोला देखे देखो, तो आपको क्या मन कर रहा है अभी, कुछ आप बोले पेस्ट्री खाने का मन कर रहा है, निकाल रहा है, तो मैं फटाक से केक निकालती हूँ, इनको खिलाती हूँ कि खाना खा के तो आए थे, उनको बीच से फिर थोड़ी थोड़ी भूख सी लगाई है, तो ये मैं लेके आ गई थी विवेक के लिए पेस्ट्री, क्योंकि मैं गिफ्ट लेने गई थी नीचे, तो मुझे केक का शॉप दिखा तो मैंने सोचा इनको पसंद आता है, और ऑलरेडी आज मुझे पराठा सब्जी का प्लान था मेरा खिलाने का इनको, तो मैं सोचता लास्ट में मीठे में थोड़ा कुछ रख देती हूँ, केक उनको अच्छा लगता है, मीठे में कुछ भी उनको अच्छा लगता है, तो मैं उनके लिए रख दी हूँ, तो फटाक से निकालती हूँ और उनको खिलाती हूँ। तो हम खाएंगे पेस्ट्री, खाइए खाइए, टेस्ट करके बताइए, फूल खाओगे? फूल ना ना, फूल मैं नहीं खाऊंगी भाई, आप ही खाइए। कैसा लगा? मस्त। तो अभी हम लोग लेंगे पेस्ट्री का मजा लेंगे, क्योंकि खाना तो खाएंगे नहीं, नहीं खाना नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ, दोनों को भूख नहीं लग रही है, क्योंकि खाना तो मैं बना के गई थी, देखिए भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो पेस्ट्री का लास्ट में मज़ा लेके अब आराम करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत थक गए हैं, आए हैं एक तो लेट 8 बजे तक आए हैं ये, और 8 बजे आने के बाद सीधे ये पार्टी में पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो ऑलरेडी बहुत थक गए हैं, और मैं भी सुबह से लगी हुई थी काम पे, तो मैं भी बहुत थक गई हूँ, तो हम दोनों जाएंगे आराम करेंगे, अब थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो गई है, तो उसका भी एंजॉय लेते हुए, ठंडा ठंडापन का एंजॉय लेते हुए अब मस्त आराम से एंजॉय करेंगे, और हम लोग न्यूज़ भी देख रहे हैं, जो यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई हो रही है वो देखिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब देख हम लोग देख ही रहे हैं न्यूज़ में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, होप कि सब ठीक हो। तो हम आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप कि हमारे ब्लॉग सब लोग को अच्छे लग रहे हों, अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।